हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हर रोज़ मैं अपना पोर्टफोलियो आप लोग के साथ शेयर करता हूं, और आज संडे है तो मैं आप लोग को हर संडे आप जो कमेंट किया होगा, आपका जो प्रॉब्लम होगा उस पर भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और हर संडे को ऐसा मैं करूँगा, जो भी आपका पोर्टफोलियो जो आपने सेंड किया है उसको मैं रिव्यू करूँगा, जो भी प्रॉब्लम हो उस पर मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा। अब बात करते हैं देरी ना करते हुए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। तो इन्वेस्टमेंट मैं अपना शेयर मार्केट में जो भी मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ वो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, और जो भी रिटर्न मेरे आए हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर म्यूचुअल फंड में भी मैं दिखा दूंगा। उसके बाद आप लोग का जो भी क्यूरीज आया हो उस पर मैं बात करेंगे। तो अब 20 कंपनियों में, जैसा कि पता ही होगा, इसको मैं थोड़ा कम करूँगा, 15-16 कंपनी में करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा फंड हो गया है। और देखा जाए तो 172,000 मैंने इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, और 181,000 के आसपास हो गया है। और टोटल रिटर्न की बात की जाए तो टोटल रिटर्न 8,921 रुपया, और एक दिन का माइंड निगेटिव में 870 रुपया है। और बात की जाए जो भी शेयर है, CDSL है, HL है, KPI एनर्जी है, सुजवान एनर्जी, टाटा स्टील, NHPC है, BSE है, एंजल वन है, SBI है, इन्फीबीम एवेन्यू है, उसके बाद टाटा पावर्स है, PD लाइट इंडस्ट्रीज है, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, टाटा मोटर्स, उसके बाद रेल विकास निगम है, IRFC, इकॉन इंटरनेशनल, भारत डायनेमिक और जयप्रकाश पावर। तो ये सब मेरे फंड शेयर्स लिए हैं स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो आप लोग को शेयर मेरा मालूम ही होगा कौन कौन से मैंने शेयर लिए हैं, और कुछ मैंने लमसम भी किया है, आप लोग को पता ही होगा। और मैंने शॉर्ट किया है लगभग 7 से 8, और मेरे फंड लगभग 7 बच गए हैं, और 6 में SIP मात्र मैं अब कर रहा हूँ, मात्र 6 फंड में मैं SIP कर रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोग को भी बोलता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट आप अपना पोर्टफोलियो करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो बात की जाए 198,990 रुपया मैंने अभी तक इन्वेस्ट किया है, और 209,791 रुपया हो गया है, लगभग 5.43 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी मेरा। तो ये था मेरा आज का पोर्टफोलियो। और मैं आप लोग के कमेंट अगर मैं देख लूँ कि क्या क्या आप लोग की क्यूरीज आई है तो वो मैं देख लेता हूँ आप लोग का। इनका कमेंट आया है, भाई मैंने SIP का ऑर्डर प्लेस किया लेकिन एक दिन बाद वो फेल हो रहा है, लिखा आ रहा है फेल्ड। तो भाई कुछ टेक्निकल इशू के वजह से ही फेल आ रहा होगा, ऐसे तो फेल होता नहीं है। तो आप लोग अब देख लीजिए क्या उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद फिर अगर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है। फ्यूचर में अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए रिटर्न में, मान लो 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो कितना टेक्स्ट कटेगा? निकालने के बाद ही टेक्स्ट कटता है, अगर ऐप के उसमें है तो टेक्स्ट तो नहीं कटना चाहिए। 1 लाख ऊपर जितना प्रॉफिट उसका 10%, क्या इतना अगर 10 तो इसका टेक्स्ट आपको देना होगा, और शायद 10% टैक्स है अगर 1 लाख से ज़्यादा आपका रिटर्न होता है तो। उस पर आप लोग देख लीजिएगा क्या कितना आपका रिटर्न आ रहा है। अगर मैं इनका पोर्टफोलियो चेक करूं अवधेश जी का, तो निकॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो कि मिड कैप में आता है 500 इन्होंने डाला है, मिड कैप HDFC में 500 डाला है, स्मॉल कैप में 500 निकॉन इंडिया का, क्वांट स्मॉल कैप में 1,000, SBI स्मॉल कैप में 500, पराग फ्लेक्सी कैप में 1,000। तो आपका फंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, और इसको कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। 2 लाख लमसम किया हूँ जनवरी में, अभी तक 14,221 का प्रॉफिट हुआ है। टोटल फंड 14 है, कुछ फंड कम करूँगा। हाँ, 14 नहीं होना चाहिए, कम से कम 5-6 फंड रखिए, SIP कीजिए, इसमें बहुत है। और कमेंट अगर मैं देखूं तो उसमें अगर हम देखें
भाई एसआईपी कर स्टार्ट करने जा रहा हूँ 15,000 का। मेरा पोर्टफोलियो पे कुछ चेंज या सजेशन दे सकते हैं? यूटीआई निफ्टी 50 का आपका है 2,000 का, एचडीएफसी ग्रोथ मिड कैप 2,500, मोतीलाल ओसवाल 2,500, क्वांट स्मॉल कैप 2,500, टाटा स्मॉल कैप 2,500, प्राग प्रोजेक्ट फ्लैक्सी कैप 2,000, आदित्य बिरला पीएसयू फंड 1,000। मेरे हिसाब से आपका फंड बहुत अच्छा है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य बिरला पीएसयू का भी आपने एक ले रखा है जो कि अच्छी बात ही है, एक पीएसयू फंड भी लेना चाहिए। और प्राग प्रोजेक्ट फ्लैक्सी कैप भी ले रखा है, टाटा स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप भी आपने ले रखा है, और एक निफ्टी 50 भी इंडेक्स फंड भी ले रखा है। तो मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो में कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आप इसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रखिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। अगर मैं निखिल जी का अगर देखूं तो इनका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये फंड तो आपने अच्छा लिया है, लेकिन कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, वो सब आपने लिखा नहीं, तो प्लीज़ आप लिख के ज़रूर बताइएगा। इनका कमेंट आया है, आई हैव इन्वेस्टेड इन क्वांट स्मॉल कैप 1K मंथली, अभी इन एक साल में 30% रिटर्न आया है, 10 साल होल्ड करूँ या 20 साल? देखिए, जितना ज़्यादा आप होल्ड कीजिएगा उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आपकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है 10 साल में पैसे की, तो आप अगले 10 साल तक के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सूर्य प्रकाश जी का अगर मैं देखूँ तो एक्सिस स्मॉल कैप में 1500 इन्होंने डाला है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड मिड कैप में 1000 डाला है, फिर SBI लार्ज एंड मिड कैप में 1500 डाला है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 1000 डाला है, PPFC में 2000 डाला है, टाइम होरिजिन 22 साल। आपका पोर्टफोलियो तो ठीक है, लेकिन 22 साल तक आपका इन्वेस्टमेंट है, तो और रिस्क आप ले सकते थे। जैसे कि आप मैं देख रहा हूँ आपके लार्ज कैप का एक ले रखा है, एक लार्ज कैप एंड मिड कैप का ले रखा है, तो एक स्मॉल कैप और आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप के जगह में, क्योंकि आपका टारगेट जो है 22 साल का है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप एक लार्ज कैप जो निपॉन इंडिया का ले रखा है उसके जगह पर आप स्मॉल कैप ले लें, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो ड्यूरेशन है बहुत लंबा है। अगर मैं दिनेश कुमार जी का कमेंट देखूं, क्वांट स्मॉल कैप में 4500, निपॉन इंडिया में 3000, टाटा स्मॉल कैप में 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3000, प्राग प्रोजेक्ट फ्लैक्सी कैप में 3000। अभी 3 मंथ का SIP किया हूँ, 10% एवरी ईयर स्टेपअप भी करूँगा। बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली, 10% आपने स्टेपअप करना है, जिससे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और बात की जाए आपका पोर्टफोलियो की, तो आपका पोर्टफोलियो रिस्की है, लेकिन अगर आप इसको कम से कम 10 साल तक जरूर ले जाइएगा, ठीक है, 10 से 12 साल तक ले जाइएगा, तब ये फंड आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आपको रखना है, क्योंकि आपने 3 स्मॉल कैप ले रखे हैं, 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से भी, 3 फंड कोई दिक्कत नहीं है स्मॉल कैप का, और एक मोतीलाल ओसवाल का भी आपने ले रखा है मिड का, और एक फ्लैक्सी कैप भी ले रखा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका फंड में कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए लॉन्ग टर्म तक। ओम प्रकाश जी का अगर मैं अपना पोर्टफोलियो अगर मैं इनका देखूं, तो निपॉन में स्मॉल कैप में 3000 डाला है, इडेलवीस में स्मॉल कैप में 2000 डाला है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000, प्राग प्रोजेक्ट फ्लैक्सी कैप में 3000। तो आपका फंड बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही अच्छा फंड आपने सेलेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और इसको कंटिन्यू रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, कोई चेंज करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्मॉल कैप भी ले रखा है, मिड कैप भी ले रखा है, और फ्लैक्सी कैप भी ले रखा है, तो ये बहुत बेहतरीन फंड आपने ले रखा है, तो इसको कंटिन्यू रखिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बहुत बड़ा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। आपको जो भी पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू ज़रूर करूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।